ज्ञे ने काव्य सृजन के माध्यम से गद्य की अनेक विधाओं के सृजन के माध्यम से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया और अपनी विलक्षण प्रतिभा के माध्यम से उपकृत भी किया अज्ञे कविता लिखते भी थे और कविताओं का संपादन भी करते थे तार सप्तक की श्रृंखला इसी बात का सशक्त उदाहरण है न केवल साहित्य संपादन अपितु पत्र और पत्रिकाओं के संपादन के माध्यम से भी अज्ञे ने अपनी पत्रकार की पहचान भी विशेष रूप से हिंदी जगत के सामने रखी वो स्वतंत्रता सेनानी के रूप में क्रांतिकारी के रूप में भाषाविद के रूप में और इन सब के साथ साथ अध्यापकीय कर्म यानी एक शिक्षक के रूप में भी हमारे सामने आते हैं उन्होंने रेडियो पर भी काम किया और उन्होंने समाज के मनोविज्ञान को पढ़ते हुए मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी साहित्य सृजन में अपने सुदीर्घ जीवन अनुभव को अभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया जोधपुर में शिक्षक के रूप में जोधपुर विश्वविद्यालय में उन्होंने अपना अध्यापकीय कार्य प्रारंभ किया तो एक नए अनुशासन जिसे हम तुलनात्मक साहित्य के रूप में देखते हैं उस अनुशासन के विशेषज्ञ के रूप में उन्होंने अध्यापन प्रारंभ किया था उन्नीस ईस्वी में वो इस अध्यापकीय दायित्व से मुक्त हुए और उन्होंने त्याग पत्र दे दिया एवरी मैंस का संपादन सन उन्नीस में जयप्रकाश नारायण ने अग्जे से एवरी मैंस का संपादन करने या उसका संपादक बनने का प्रस्ताव रखा था जनवरी उन्नीस में अग् ने इस कार्यभार को संभाला भी नया प्रतीक का संपादन करते हुए अगस्त उन्नीस सौ ईस्वी में प्रतीक का संपादन बंद हुआ तो अज्ञे ने उन्नीस ईस्वी में नया प्रतीक नाम से पुनः एक मासिक साहित्यिक पत्र प्रारंभ किया उसका संपादन उसका प्रकाशन इसका दायित्व भी उन्होंने आत्मसात कर लिया इसके संपादक मंडल में अज्ञे के साथ प्रसिद्ध निबंधकार ललित साहित्य के सृजक डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र थे कुंवर नारायण रमेश शा, चंद शाह प्रफुल्ल चंद ओझा ये सब भी इस नया प्रतीक मासिक पत्र के संपादन में अज्ञे के साथ सहायता कर रहे थे अपनी रचनात्मक भूमिका निभा रहे थे चौथा सप्तक का संपादन भी यज्ञ ने किया सप्तकों के प्रकाशन के क्रम में उन्नीस में चौथा सप्तक का संपादन उन्होंने किया सात प्रतिष्ठित कवियों को उन्होंने इसमें शामिल किया अवधेश कुमार राजकुमार कुंभज स्वदेश भारती नंद किशोर आचार्य सुमन राजे श्री राम वर्मा और राजेंद्र किशोर ये इस युग के उभरते हुए कवि थे रचनाकार थे ज्ञे ने उनकी काव्य मनीषा को पहचाना उनकी चुनी हुई कविताओं को चौथा सप्तक में स्थान दिया और निश्चित रूप से तार सप्तक से होते हुए दूसरा तीसरा और चौथा सप्तक की यह या यात्रा अनेक कवियों को प्रतिष्ठित करने में रचनात्मक भूमिका निभाती दिखाई देती है निम्नलिखित सात कवियों की रचनाएं इसमें शामिल की जिनमें निश्चित रूप से विलक्षण काव्य प्रतिभा के दर्शन हम कर सकते हैं अज्ञे को यायावर भी कहा जाता है उन्होंने देश विदेश की अनेक यात्राएं की दरअसल कवि या साहित्यकार जब देश विदेश में यात्राएं करता है तो उसका उद्देश्य केवल भ्रमण नहीं होता उस भ्रमण के माध्यम से एक शिक्षा ग्रहण करते हुए अपने पाठकों तक देशवासियों तक भाषा और साहित्य प्रेमियों तक वह अनेक अनुभव जो अर्जित किए हुए हैं उनको बांटना भी चाहता है इसलिए सृजनात्मक प्रेरणा बनकर ये यात्राएं साहित्यकार के जीवन में आती हैं 1955 में यूनेस्को के निमंत्रण पर अग् पश्चिमी यूरोप की यात्रा पर गए इस यात्रा के दौरान वे अनेक चिंतकों से मिले स्वीडन की लेखिका सारा लिडमैन ने बर्मा में कैद हो जाने की जो एक वास्तविक घटना अज्ञे को सुनाई थी वही घटना वही कथा आगे चलकर अपने अपने अजनबी की कथाभूमि बनी साहित्यकार समाज से सामाजिकों से अपनी रचना का आधार ग्रहण करता है उसकी कथा वस्तु को वह चुनता है यही अज्ञे ने भी किया इस यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी कि अज्ञे को इंद्रधनुष रोंदे हुए थे एक बूंद सहसा उछली और अपने अपने अजनबी रचनाओं की सृजनात्मक प्रेरणा मिली वास्तव में पहले जमाने में जो संत थे ऋषि मुनि थे वो यत्र तत्र सर्वत्र भ्रमण करते थे देश विदेश में जाते थे वहां की समाज वहाँ की संस्कृति वहाँ की मानवता वहाँ के मानव मूल्य इन सब का अध्ययन करते थे और फिर उसके आधार पर वो अपनी वाणी को निस्तृत करते थे अज्ञे ने भी यायावरी भूमिका निभाते हुए देश विदेश में भ्रमण किया वहां की संस्कृति को वहां की सामाजिकता को वहां के रहन सहन को वहां की मूल्यवत्ता को बहुत नजदीकी से देखा उन सब को अपनी विलक्षण रचनाओं की आधारशिला के रूप में रचनात्मक स्थान दिया इंद्रधनुष रौंदे हुए एक इसी प्रकार की रचना है एक बूंद सहसा उछली या अपने अपने अजनबी अगर इन रचनाओं की सृजनात्मक प्रेरणा को खोजना हो तो हम अज्ञे की देश विदेश की अनेक यात्राओं को इस रूप में देख सकते हैं अगस्त उन्नीस ईस्वी में अग्गे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में जैसे जापान थाईलैंड फिलीपींस इनकी यात्रा उन्होंने बहुत गंभीरता के साथ की जापान की साम्राज्य क्रोमियो प्राचीन राजधानी लारा के बुद्ध मंदिर में जाते समय उहापोह की स्थिति में पड़ गई थी कि महात्मा बुद्ध को अर्पित करने के लिए वो क्या ले जाए और फिर रीते हाथ चली भी गई थी इस घटना के आधार पर अज्ञे की रचित कविता साम्राज्य का नैवेद्य दान यह हमारे सामने आई इस रचना के माध्यम से इस कविता के माध्यम से अज्ञे की जीवन दृष्टि को समझा जा सकता है उसमें विदेश यात्रा का प्रत्यक्ष परोक्ष प्रभाव भी हम देख सकते हैं किंतु अज्ञे का जो नजरिया है देखने की जो शैली है वो वास्तव में इस तरह की रचनाओं के माध्यम से हमारे सामने उभर कर आती है हे महाबुद्ध मैं मंदिर में आई हूं रीते हाथ फूल मैं ला न सकी औरों का संग्रह तेरे योग्य न होता उस भोली मुग्धा को कंपती डाली से विलगा न सकी जो कली खिलेगी जहां खिली जो फूल जहां है जो भी सुख जिस भी डाली पर हुआ पल्लवित पुलकित मैं उसे वहीं पर अक्षत अनाघ्रत अस्पृष्ट अनाव्रिल हे महाबुद्ध अर्पित करती हूं तुझे तो ये जो जापान की साम्राज्य की भावनाएं हैं उनको एक कवितात्मक रूप में अज्ञे ने बहुत सुंदर और प्रभावी रूप में प्रस्तुत किया सितंबर 1961 में इकसठ जुल में और जुलाई 1964 के बीच अज्ञे की नियुक्ति कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में बरकले में भारतीय संस्कृति व साहित्य विषय के अध्यापन हेतु की गई अग् भारतीय संस्कृति के भी प्रकांड विद्वान हैं उन्होंने यहाँ के भूगोल के विषय में यहाँ की नदियों के विषय में यहाँ के झरनों के विषय में यहाँ की पर्वत श्रृंखलाओं के विषय में बहुत गंभीरता से अध्ययन किया है इसलिए भारतीय संस्कृति के मूल्य भारतीय सांस्कृतिक जीवन शैली इन सब को अग्नि अपनी रचनाओं के माध्यम से उद्घाटित करते चलते हैं आंगन के पार द्वार अपने अपने अजनबी इनका प्रकाशन भी सन उन्नीस में जब हुआ तो आंगन के पार द्वार पर उन्हें साहित्य अकादमी नामक पुरस्कार भी मिला साहित्य अकादमी का पुरस्कार हिंदी जगत में एक जाना माना और प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है अज्ञे ने ऐसे अनेक पुरस्कारों को अर्जित किया उन पुरस्कारों का सम्मान बढ़ाया क्योंकि अज्ञे की रचनाएं जब पुरस्कृत और सम्मानित हुईं तो निश्चित रूप से वह हिंदी का भी सम्मान था मई उन्नीस में स्तुगा जो युगोस्लोवाकिया में है उसके अंतर्राष्ट्रीय काव्य समारोह की समिति ने उस वर्ष स्वर्ण माल पुरस्कार हिंदी कवि अज्ञे को दिया जब हिंदी कवि अज्ञे को यह पुरस्कार दिए जाने का निर्णय हुआ तो अज्ञे ने एक और विदेश यात्रा की इस पुरस्कार से अधिक संस्कृति सम्मान जो किसी भारतीय को पहली बार मिला वह इसके रूप में उद्घाटित हुआ यह सम्मान अज्ञे का ही सम्मान नहीं था यह विविध अर्थों में हिंदी भाषा का हिंदी जगत का हिंदी प्रेमियों का संपूर्ण भारत का और भारतीय साहित्य का सम्मान था अज्ञे ने वत्सल निधि नाम से एक संस्था की स्थापना भी की सन 1980 में कला और साहित्य के संवर्धन के लिए अग् ने इस वत्सल निधि की स्थापना की उन्नीस में मिले ज्ञानपीठ पुरस्कार की संपूर्ण राशि वो व्यक्तिगत उपयोग में नहीं रख पाए उन्होंने इस संपूर्ण निधि को वत्सल निधि के हवाले कर दिया यानी वत्सल निधि के माध्यम से वो जिस भाषा और साहित्य समृद्धि के लिए कार्य करना चाहते थे अपनी संपूर्ण पुरस्कार राशि को उन्होंने इस संस्था को भेंट कर दिया अज्ञे का जीवन निश्चित रूप से संघर्षमय जीवन रहा किंतु उन्होंने साहित्य सृजन के क्षेत्र में अपनी सतत भूमिका निभाई वो किसी भी रूप में अपनी साहित्यिक यात्रा को अवरुद्ध नहीं करना चाहते थे देश में या विदेश में जहां भी रहे उन्होंने अनेक भाषाएं अर्जित की सीखी और 4 अप्रैल उन्नीस को छिहत्तर वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी देह छोड़ दी ऐसे विलक्षण और महान हिंदी के रचनाकार साहित्यकार का निधन हो गया अज्ञे का साहित्यिक व्यक्तित्व वास्तव में विराट है अपनी सृजनात्मक प्रतिभा से उन्होंने साहित्य के अनेक रूपों को निरंतर समृद्ध किया उनके द्वारा रचित साहित्य पर यदि दृष्टि डालें, तो उनके काव्य संग्रहों में भग्न दूत 1933 में लिखी गई रचना है अज्ञे का प्रथम काव्य संग्रह भगनदूत के रूप में हमारे समक्ष आया जिसमें कुल 22 कविताओं का संग्रह है भगनदूत कविता में अज्ञे ने कवि कर्म को ब्रह्मांड व्यापी अखंड प्रेमान्वेषण से जोड़ दिया चिंता उनका दूसरा काव्य संग्रह 1942 में प्रकाश में आया दो खंडों में विभक्त जिसे विश्व प्रिया और एकायन शीर्षक से उन्होंने विभक्त किया प्रथम खंड में पुरुष तथा द्वितीय खंड में स्त्री के दृष्टिकोण को वो पूरे मनोवैज्ञानिक आधार पर निर्दिष्ट करते हैं इत्यल्लम 1946 में प्रकाशित होने वाली तीसरी रचना है तीन खंडों में विभक्त इस रचना में हारिल पक्षी से संबंधित कविताएं अद्भुत रूप में हमारे सामने आती हैं कलगी बाजरे की मेले हो गए देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच ये तमाम प्रयोग जिनसे अज्ञे ने अपनी एक अलग और विशिष्ट पहचान बनाई वो इसी काव्य संग्रह में हमारे सामने आती हैं हरी घास पर क्षणभर उन्नीस सौ ईस्वी में प्रकाशित चालीस कविताओं का संग्रह है बावरा अहेरी उन्नीस में प्रकाशित 35 कविताओं का संग्रह है बावरा अहेरी कविता में प्रभात का सूर्य वह बावरा अहेरी बनकर हमारे सामने आता है जो नए कवि की ओर संकेत करता है बावरा अहेरी रे कुछ भी उपलब्ध नहीं तुझे सब आखेट है एक बस मेरे मन विवर की दुबकी कलौंस को दुबकी ही छोड़कर क्या तू चला जाएगा इस तरह की प्रतीकात्मक शैली में नए नए उपमानों के साथ अज्ञे ने बहुत सी युगीन चेतना और बोध को अपनी कविताओं के माध्यम से व्यक्त किया उभरते नए युवा कवियों को ध्यान में रखकर भी उन्होंने इस तरह की प्रतीक शैली में संबोधन किया इंद्रधनुष रोंदे हुए उन्नीस सौ में प्रकाशित उन्सठ कविताओं का संग्रह है जितना तुम्हारा सच है कविता मौन की अभिव्यंजना को या कहें कि मौन की शब्द शक्ति को उद्घाटित करने वाली एक विलक्षण कविता है अरियो करुणा प्रभा मई उन्नीस में प्रकाशित काव्य संग्रह जिसकी भूमिका में अज्ञे लिखते हैं कि संकलन की क्रम सूची में संख्या तैतालीस से उनसठ तक जो कविताएं लिखी गई हैं वो जापानी कविताओं के अनुवाद है अज्ञे ने हाइकू छंद के माध्यम से भी अपनी एक विशिष्ट पहचान दर्ज की आंगन के पार द्वार 1961 सौ ईस्वी में प्रकाशित इसी संग्रह में असाध्य वीणा कविता का संग्रह हुआ असाध्य वीणा ज्ञे को एक अलग पहचान देने वाली कविता बनी इसमें केश कंबली की संगीत कौशल संबंधी गाथा को प्रस्तुत विधिवत किया गया इस रचना का उन्नीस में साहित्य अकादमी के रूप में पुरस्कृत होना साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त करना यह भी एक अज्ञे की उपलब्धि है पूर्वा उन्नीस ईस्वी में प्रकाशित हुई सुनहले शैवाल 1966 में प्रकाशित हुई कितनी नावों में कितनी बार उन्नीस में प्रकाशित हुई कुल चवालीस कविताओं का संग्रह कितनी नावों में कितनी बार कविता संग्रह के अंतर्गत किया गया क्योंकि मैं उसे जानता हूं उन्नीस में प्रकाशित हुई सागर मुद्रा उन्नीस में प्रकाशित हुई और पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं उन्नीस में प्रकाश में आई महावृक्ष के नीचे 1977 में नदी की बांक पर छाया 1981 में ऐसा कोई घर आपने देखा है 1986 में प्रकाश में आने वाला काव्य संग्रह है अज्ञे के इस तरह सत्रह काव्य संग्रह हमें मिलते हैं जिनमें ऐसा कोई घर आपने देखा है यह अंतिम काव्य संग्रह है जो अज्ञे को एक कवि के रूप में प्रौढ़ कवि के रूप में स्थापित करता है मनुस्थल उन्नीस में प्रकाशित अज्ञे की मृत्यु के बाद एक संग्रह आया इस तरह अज्ञे ने बहुत सी कविताएं लिखी, बहुत सी कविताओं का संपादन किया तार सप्तक प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थादि और कहानी संग्रह के क्षेत्र में भी अज्ञे का योगदान अद्भुत है अनुपम है विलक्षण है विपथगा उन्नीस में जिसमें बारह बारह संकलित हैं परंपरा 1944 में जिसमें 22 कहानियां संकलित हैं तो ये कहानी संग्रह भी अग्नि की पहचान बनते हैं कोठरी की बात 1945 में शरणार्थी 11 कहानियों वाली 1948 में जयदोल उन्नीस में ये तेरे प्रतिरूप 1961 में अमर वल्लरी और अन्य कहानियां उन्नीस में और कड़ियां और अन्य कहानियां 1957 में इस तरह कुल चौरानवे कहानियां अज्ञे ने लिखी जो प्रकाशित हैं मिलती हैं तीन उपन्यास अज्ञे ने लिखे जिनसे वो अमर हो गए शेखर एक जीवनी दो भागों में प्रकाशित हुआ प्रथम खंड द्वितीय खंड उत्थान शीर्षक से प्रकाशित हुआ और संघर्ष शीर्षक से उन्नीस में दूसरा खंड भी प्रकाश में आया शेखर शशि आदि इसके मुख्य पात्र हैं इसकी भूमिका में अज्ञे ने लिखा भी है पूरी कथा एक रात में देखे हुए विजन यानी स्वप्न का वृत्तान्त है एक मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है, है। अज्ञे स्वीकार करते हैं कि शेखर में मेरा अपनापन भी कुछ शामिल है नदी के द्वीप उनकी दूसरी औपन्यासिक रचना है और अपने अपने अजनबी उनकी तीसरी प्रसिद्ध औपन्यासिक रचना है इस तरह उपन्यास हो कहानियाँ हों कविताएँ हों हम सबको देखें तो अज्ञे ने अपनी मनोवैज्ञानिक दृष्टि से समाज शास्त्रीय दृष्टि से हिंदी जगत को अनेक विधाओं के माध्यम से अपनी साहित्यिक प्रतिभा से उपकृत किया है बहुत सी अनूदित रचनाएं भी अज्ञे की हमें मिलती हैं उत्तर प्रियदर्शी नाम से उन्होंने एक नाटक भी लिखा था जो वस्तुतः उपन्यास और कविताओं की दुनिया में कहानी की दुनिया में उतना प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर सका लेकिन उन्होंने निबंध भी लिखे उन्होंने रंगमंच पर भी लिखा यात्रा साहित्य भी लिखा अरे यायावर रहेगा याद और असम से पेशावर तक की यात्रा श्रीनगर कुल्लू मनाली रोहतांग आदि की यात्रा प्रभाकर माचवे से उनका जो साक्षात्कार हुआ उस पर भी उन्होंने कुल मिलाकर जैसे संस्मरण लिखे अगर हम कहें कि अग् वास्तव में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एक विलक्षण साहित्यकार एक समाज सुधारक एक चिंतक एक अनुवादक एक पत्रकार ऐसी कई भूमिकाओं में हमारे सामने उपस्थित होते हैं ऐसे साहित्यकार विलक्षण और ईश्वरीय अनुकंपा से प्राप्त होते हैं मित्रों विषय बहुत बड़ा है इसको यहीं विराम देते हुए आज्ञा चाहते हैं पुनः आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे आज्ञा दीजिए नमस्कार